नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। क्या शानदार जीत दर्ज कर दी है दिल्ली कैपिटल्स ने, आरसीबी को हरा दिया है और इस पूरे आईपीएल में अब दिल्ली कैपिटल्स दूसरे नंबर में पहुंच गई है। और क्या शानदार जीत उसने दर्ज की है, दूसरी टीम पहुंच गई है क्वालिफाई करने वाली, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने वाली। और अब दिल्ली कैपिटल्स के भी 14 मैच में 16 अंक हो गए हैं, इससे पहले मुंबई के पहले से ही 18 अंक है और उसके पास एक मैच और बचा है जो एसआरएच से उसे खेलना है। तो अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीत के वो पांच कारण जिनकी वजह से दिल्ली आज का मैच जीत पाई। सबसे पहले तो पहला कारण जीत का एक तरीके से यही रहेगा कि टॉस बहुत क्रूशियल साबित हुआ, टॉस दिल्ली ने जीता। फायदा यह हुआ कि लगातार हम देख रहे हैं टॉस जीतकर गेंदबाजी टीमें कर रही हैं और उसका नतीजा भी मिल रहा है, बाद में बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो रही है। तो पहला कारण हो गया टॉस। दूसरा कारण हुआ कि आरसीबी के जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं दोनों, फिलिपे और पर्डिकल, उनकी दोनों की पार्टनरशिप अच्छी नहीं हो पाई और जो है फिलिपे सस्ते में आउट हो गए, तो उसका एक फायदा मिला। और शुरुआत के 6 ओवर में बहुत ज़्यादा रन्स भी नहीं बना पाई, कुछ 40 के आसपास रन थे आरसीबी के एक विकेट के नुकसान पर। तो शुरुआत जब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना। तीसरा कारण मैं मानूंगा विराट कोहली का जल्दी आउट हो जाना। उनको जिस तरीके से अश्विन ने अपने जाल में फंसाया वो तीसरा कारण था, क्योंकि विराट कोहली अगर लंबा खेल जाते तो यही स्कोर 150 नहीं, फिर यही स्कोर 170 हो सकता था, जो कि चेजिंग में थोड़ा सा दिक्कत ला सकता था। चौथा कारण मैं मानूंगा कि एबीडी का एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रभाव इस मैच में ना होना। आमतौर पर आप क्या देखते हैं, कोहली वोली आउट हो गए लेकिन एबीडी अपना अकेले एक तरफ खड़े होकर भी कुछ 30-32 गेंदों पर 60-65 आराम से बना देते हैं। लेकिन आज डिविलियर्स भी बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाए, कुछ 35-36 ही बना पाए थे, हालांकि वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए लेकिन नाकाफी था वो। उसी की वजह से, उन्हीं के फेल्योर की वजह से आरसीबी की टीम बहुत बड़ा स्कोर नहीं लगा पाई। और पांचवा कारण मैं मानूंगा फिर सदी हुई समझदारी वाली बल्लेबाजी, जो कि दिल्ली के बल्लेबाजों से हमने देखी, चाहे वो शिखर धवन हो या फिर अजिंक्य रहाणे, अभी तक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे लेकिन आज बढ़िया बल्लेबाजी की, सभी बल्लेबाजों की एक तरीके से सूझबूझ भरी वाली एक तरीके से पारियां रहीं और बड़े आराम से दिल्ली ने ये मैच जीत लिया। तो ये जीत के पांच कारण थे दिल्ली की और इसी के साथ दिल्ली क्वालिफाई कर गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों।